नमस्कार, राम राम। हमारे साथ में निर्मा मीणा जी, ढोली मीणा के रूप में जिनकी पहचान सोशल मीडिया पर है, आज सोशल मीडिया क्वीन कहें या स्टार कहें, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यूरोप के माल्टा से। सीधा आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ढोली जी, आप जिस तरह से आप बीते कुछ दिनों से छा गई हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर, उसके पीछे प्रेरणा क्या रही आपकी? बस मेरे को रील बनाने का बहुत शौक था और मैंने भी वैसे ही इंस्टाग्राम पे देख देख के जैसे और लोग बनाते हैं वैसे ही मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो बस ऐसे ही बनाया और एक साल बाद में फिर मेरा ये वीडियो ऐसे ही वायरल हो गया, तो फिर बाद में मेरे को और ज्यादा फिर शौक हो गया बनाने का। बस यही थी। और जी, इसमें घर वालों का पहली रील के बाद क्या रिएक्शन रहा, जब खास तौर पर बीच पर आप घूमती हुई नजर आई, तो कोई प्रतिक्रिया आपके लिए आई कि आप लगातार ऐसा करते रहिए, या फिर उसमें कुछ सेंसरशिप के लिए भी बात आई? नहीं, जैसे घर वालों ने तो यही बोला था कि देखो आज है ना घाघरा, हमारे जो ये पहनावा है इसकी वजह से हमें पहचान मिली है, तो तेरे को तो अच्छा ही है। और मेरे जैसे भाई भी हैं और मेरे क्लोज वाले फ्रेंड है, तो वो तो यही बोलेंगे कि आप बनाते रहो, अच्छा लगता है। पीली लुगड़ी पूरी में भंडार में प्रचलित है और आप बिल्कुल उसका सिंबल बन गई, ब्रांड एम्बेसडर बन गई है उसकी। जी जी तो यूरोप में रहे आप, अमेरिका में रहे, लंबा सफर रहा, पहला विदेश दौरा आपके लिए क्या रहा है? भारत से जब दौसा से आप निकली और विदेश तक गई, तो इस सफर में पहला अनुभव कैसा रहा आपका? मेरे को पहले मैं जब पहल पहल तब गई थी, प्लेन में बैठी, मेरे को इतना शौक था कि हमें जाके बैठ कैसे, मतलब कभी बैठा ही नहीं, नाम ही सुना था। और फिर बाद में जब उसमें बैठे और इतना अच्छा फील हुआ, मतलब डर वर कुछ भी नहीं है ऐसे ही। और फिर बाद में जब गई तो, लेकिन मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, तो यही परेशानी थी मेरे लिए कि मेरे को भी इंग्लिश आ जाए। इतनी अच्छी वो बोलते थे, इतनी अच्छी बातें करते थे, तो मेरे को बस यही लगता था कि इतने अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो मेरे को भी आ जाए। तो फिर बाद में जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी तो हम अफ्रीका गए थे जी, जाम्बिया, तो वहाँ पे हम 3-3.5 साल रहे वहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी आ गई थी मेरे को वहाँ पे। और उसके बाद में जब हम US गए अमेरिका, उसके बाद में फिर मेरे को और भी अच्छी आ गई थी। और अब मुझे अच्छा लगता है, मैं मतलब छोटी मोटी सारी चीजें घर की सभी ले आती हूँ जी। अब अच्छा लगता है। ये अंग्रेजी सीखने के तजुर्बे को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, आपके लिए मददगार कौन बना? घर के जो बाकी सदस्य थे, साथी थे जो काम में हाथ बटाते, वो आपके पति, या फिर बाहर बाजार में जैसे सब्जी खरीदते हुए भी हमने देखा आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो आमतौर पर भाषा के लिए सहायक वो सब्जी मंडी के लोग बने? जैसे बाहर भी जाती थी तो बाहर भी एक एक छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, तो हम उनको कैच करेंगे वो कैसे बोल रहे हैं, तो इसी तरीके से हम उस सीख सकते हैं। और मैंने फिर इंग्लिश मूवी भी देखी, तो हम उससे भी बहुत ज्यादा सीख लेते हैं। और घर में भी जैसे बच्चे बोल रहे हैं, तो बच्चों से बहुत ज्यादा कनेक्ट मैंने बच्चों से किया था जी, वो आपके लिए मददगार बने। अभी पति का क्या रोल रहा आपकी भाषा को लेकर, आपकी रील्स को लेकर? पति तो वो तो मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बताऊंगी, हम दोनों अभी भी हमारे जो राजस्थान की लैंग्वेज है, थे काई कर रहा चो काई खाओगा, आज था के लिए काई बनाओ, तो हम दोनों वो ही बातें करते हैं अभी भी, सेम वो ही बात बोलते हैं। अदरवाइज हम हिंदी में भी नहीं बोलते हैं कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, हम यही बात करते हैं, आ जाओ रोटी खा लो चाय पी लो। बिल्कुल, जमीन नहीं छोड़ी आपने, जमीन पकड़ के रखी है, चाहे अमेरिका में है चाहे यूरोप में। जी, तो इसके पीछे क्या खास प्रेरणा रही, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं, खासतौर पर अपनी बोली पहले छोड़ देते हैं, पहनावा छोड़ देते हैं और धीरे धीरे खान पान छूट जाता है, लेकिन आपकी रील्स बताती हैं कि आपने पूरी जमीन को पकड़ के रखा है। सबसे पहली बात जो मैंने, हाँ हम लैंग्वेज दोनों हस्बैंड वाइफ यही बोलते हैं, और खाना बिल्कुल हम सेम वही खाते हैं, हम मतलब घर में एग भी नहीं लेके आते जी। और कपड़ों की बात है तो मेरे हस्बैंड को ये लहंगा लुगड़ी बहुत पसंद है, मैं उनके लिए पहनती हूँ जी। बिल्कुल, हमने देखा कि आप पार्टीज में भी गई हैं, कुछ वेस्टर्न कल्चर के प्रोग्राम्स थे उनमें भी आप गई हैं, ड्रेस कोड को लेकर कभी कोई बाधा आई आपके सामने कि कहीं ड्रेस कोड है? नहीं, यहाँ पे इतने लोग देखते हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट में बैठे हैं खाना खा रहे हैं,
तो वो सब लोग ऐसे खड़े होके देखते हैं कि ये कौन है, और शायद कुछ वो इनके लिए कुछ होगा। कोई लोग तो मेरे से ऐसे पूछते हैं कि शादी है क्या, आज आपकी शादी है? हाँ, बाहर देखकर ड्रेसअप देखकर उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ उनको ऐसे विशेष लगता है खास कि प्रोग्राम। थोड़ा अलग है, आज क्या है, ऐसे कपड़े क्यों पहने, तो उनको फिर बाद में ऐसे ही लगता है। पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, हमारे कल्चर ड्रेस है ही तो हमारा। जी, तो बिल्कुल ढूंढार को आपने जीवंत किया हुआ है। खाने की हाँ बात हाँ है, आप कह रही हैं कि आपके हस्बैंड को आपका पहनावा भी पसंद है, आपके हाथ के खाने के भी वो मुरीद है, तो खाने को लेकर क्या वो तमाम चीजें आपको उपलब्ध हो जाती है जो उनको चाहिए वहां पर? दाल बाटी हाँ जी चूरमा मिलती हो, बाटी कभी खास मौके पर हो, तीज त्योहार पर कुछ खास बनाना हो, कैसे मुमकिन होता है? नहीं, यहाँ पे एक इंडियन शॉप होती है, दो तीन है, तो वहां पे अब हमें जो भी चाहिए तो ले आते हैं, वहां से विशेष मिल जाता मेकअप है। जी। हाँ, सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। और खाना खाने की तो बात तो उन्हीं की पसंद का बनता है घर में। जी, तो मेन्यू आज का क्या डिसाइड करके गए? आज क्या बनेगा? आज तो मैंने आलू की सब्जी बनाई है, जो हमारे शादियों में नहीं बनती, पतली वाली आलू की सब्जी, छाछ डाल के बनाते हैं, दही। जयपुर का झोल बोलते हैं उसे। हाँ, जी। बाकी जो रील्स हैं उनको लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह की टिप्पणी आपको मिली, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला, जिसने सबसे ज्यादा आपको प्रेरित, आपके जहन में वो एक कमेंट जो आपको लगता हो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जिसने आपको प्रेरणा दी? मेरे को है ना, सभी ने बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा, सब अच्छा ही बोला है, किसी ने नहीं बोला। लेकिन वो जैसे एक दो लोग तो होते ही है ना, वो तो कहीं पे भी मिल जाएंगे ऐसे, जी, तो अदरवाइज सभी ने तारीफ की है। आपके लिए उनमें से कोई एक जहन में आता है कमेंट कभी कि ये था जिसने मुझे प्रेरणा दी या फिर हतोत्साहित करने की कोशिश की? वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं किस किस का नाम लूँ ना, और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मतलब इतने सारे कमेंट आते हैं। आप करीब करीब 10 लाख के आसपास आपकी फॉलोइंग शिप जाने वाली है। इंस्टाग्राम से अच्छा आपको क्या कोई रेस्पॉन्स मिला उसका? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हाँ, बस फॉलोअर बढ़ रहे हैं। जी, फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ रील्स का क्या बात, किस तरह से प्लान करती हैं कि मुझे ये रील्स बनानी? अच्छा, वो मेरे खुद ऐसे ही सोच दिमाग में सोच लेते हैं। जी, कहीं भी किसी मौके पर भी। हाँ निर्मा जी, आप ईटीवी भारत से अपना और कोई अनुभव साझा करना चाहें, क्योंकि राजस्थान में आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, पूरे देश में आपकी है और विदेशों में भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो हाँ ऐसे में उनके लिए कोई खास पैगाम, ढूंढाड़ी में आप कोई गीत गाकर उनको सुनाना चाहें? नहीं, मेरे को गीत तो नहीं आता, लेकिन मेरे को ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि जो मैं ना मतलब शेयर करना चाहती हूँ जी जी। जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको उनकी जॉब, कोई भी जॉब हो, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, तो वो मतलब उनको किसी भी अपने बराबर के होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना कर्म कीजिए, फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जी उन बच्चों को जो विदेश जाकर अपनी संस्कृति भूल जाते हैं अक्सर, तो हाँ आपने पूरी तरह से एक राजस्थान का झंडा गाड़ा हुआ है विदेशों में, तो जी, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए यही है कि मैंने तो जो करना था मेरा किया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं का सपोर्ट है मेरे लिए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जी, ईटीवी भारत से बातचीत आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपके जो फैन फॉलोइंग है दिन और रात यूं ही बढ़ती रहे, आपके रील्स का सिलसिला बरकरार रहे और आप लोगों का मनोरंजन यूं ही करती रहे। राम राम, नमस्कार। थैंक यू, राम राम जी।